गुलबर्गा शहर के आजादपुर रोड मनियार फंक्शन हॉल के करीब मौजूद सहारा मेंटली रिटार्डेशन स्कूल की जानिब से अर्ली इंटरवेंशन एंड अर्ली एजुकेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिमागी कमजोर बच्चों के लिए बेंगलुरु एपीडी टीम की मदद से परफेक्ट साइज के साथ कटिंग कर कैलिपर, रोलेटर, शूज, स्टैंडिंग चेयर, स्टडी टेबल और दीगर कई एड्स एंड अप्लायंसेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिसके जरिए तमाम दिमागी और जिस्मानी तौर पर कमजोर बच्चों को रोजमर्रा जिंदगी में चलने, फिरने, बैठने और पढ़ाई करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो सके। गुलबर्गा शहर में पिछले 20 सालों से जनाब मस्तान बिरादर साहब सहारा सोसाइटी के नाम से ओल्ड एज होम मेंटली और फिजिकली डिजेबल पर्सन के लिए एक सोसाइटी चला रहे हैं, जिसके जरिए कई हजारों बेसहारा मासूम बच्चे और बड़े बुजुर्गों को सहारा देने का काम किया जा रहा है। आजादपुर रोड मनियार फंक्शन हॉल के करीब आरआर गार्डन में पिछले 8 सालों से सहारा मेंटली रिटार्डेशन स्कूल और वुमेन ओल्ड एज होम चलाया जा रहा है। सहारा मेंटली रिटार्डेशन स्कूल के जरिए कुल 130 बच्चों के लिए होम सर्विस दी जा रही है, जिसमें रोजाना इन बच्चों को न्यूट्रिशन, फूड स्क्रीनिंग, असेसमेंट, ट्रीटमेंट, थेरेपी और गवर्नमेंट पेंशन की सहूलत दी जा रही है। इस प्रोग्राम के जरिए कुल 25 बच्चों के लिए निर्माया सर्टिफिकेट बनाई गई है, जिसके जरिए हर साल 1,00,000 रुपया हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है। अगर आपकी नज़र में कोई दिमागी कमजोर बच्चे और ओल्ड एज होम के बेसहारा लोग मौजूद हैं तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिना कोई पैसा लिए दिमागी कमजोर बच्चों की परवरिश और ओल्ड एज के लोगों का ख्याल यहाँ रखा जाता है। इस प्रोग्राम में गुलबर्गा तालुका माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर चांद पाशा, रिटायर्ड तालुका माइनॉरिटी ऑफिसर वाजिदा मुबीन और एक्स KMDC डायरेक्टर सद्दाम के अलावा कई दीगर मेहमान यहां मौजूद थे। इस मौके पर मौजूद तमाम मेहमान और दिमागी कमजोर बच्चों के माँ बाप ने मस्तान बिरादर साहब की तारीफ कर इनके खिदमत बयां किए हैं। मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सहारा ट्रस्ट के वजह से जो डिसेबल बच्चों के लिए ये इक्विपमेंट्स दे रहे हैं और जो बच्चों को हैंडीकैप भी है उनको भी इक्विपमेंट्स दे रहे हैं। इसके वजह से बच्चों को जल्दी से जल्दी रिकवरी होने के लिए और सेहत से भी अच्छा होने के लिए एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मस्तान साहब। उनको इस तरह और भी अच्छे अच्छे काम करने के लिए और बच्चों के भी स्ट्रेंथ उनको बढ़ के और ये सिर्फ 2-3 डिस्ट्रिक्ट मुत्ता से और दूर से भी डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ पर बच्चों आके उसका फ़ायदा लेने के लिए अच्छा होता है। ये काम ऐसा ही कंटिन्यू करते रहते हैं, करीब 20 साल से कर रहे हैं, ऐसे इनकी सेवा ऐसे ही कंटिन्यू होते हैं। और मैं ये दुआ करता हूँ कि इनका संस्था अच्छा चले दे और सभी इनके तरफ से एक हेल्प होंदे और बच्चों को भी इसका हेल्प होंदे, उसके माँ बाप भी इसका फ़ायदा लेना बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। सहारा संस्थे और APD संस्थे की जानिब से मुझे यहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट इन्वाइट किया गया था। यहाँ पर मुझे बच्चों को देखकर जो डिसेबल हैं, जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल हैं, उन बच्चों के सेंटर में आके बहुत दिली मसरत महसूस हुई। और ये जो काम सहारा के ज़रिए से हो रहा है वो और ऐसे PSC सेंटर्स और ज़्यादा बनने चाहिए गुलबर्गा में, ताकि ये बच्चे भी आम बच्चों की तरह समाज में एक मुकाम हासिल कर सकें, समाज में एक शहरी बनकर, अच्छे शहरी बनकर शहर के और मुल्क की तरक्की में हाथ बटा सकें। ये बच्चे, मैं अपने पेरेंट्स से ये कहना चाहूँ कि ये बच्चे बाहर से जहमत नहीं है बल्कि बाहर से रहमत है। उनकी खिदमत में अल्लाह ताला आपको कुछ ना कुछ उसमें मसलियत रखा होगा। आपकी वालदैन की खिदमत और वालदैन की मशक्क़त से ही ये बच्चे इंशाल्लाह ये सेंटर के ज़रिए से आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा सहूलतें मिलेंगी और इंशाल्लाह ये भी बच्चे आगे चलकर एक अच्छे आम बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजार सकें। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और APD बेंगलोर के कोऑर्डिनेशन में हम 18 बच्चों को एयर्स एंड अप्लाइंस डिस्ट्रीब्यूशन किए। इन बच्चों को एक महीना पहले मेजरमेंट लेके बेंगलोर के जो टेक्नीशियंस हैं ये लोग आज आकर इनके मेजरमेंट के हिसाब से सेटिंग करके, कटिंग करके इनको आज हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम रख लिए थे। आज एक छोटे से प्रोग्राम में हमने 18 बच्चों को एयर्स एंड अप्लाइंस यानी कैलिपर है, रोलेटर है, स्टैंडिंग चेयर है, स्टैंडिंग टेबल है और शूज़ है, ये मुख्तलिफ एयर्स एंड अप्लाइंस हमने आज इनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हमारा मकसद ये है कि ये बच्चे आम बच्चों के जैसा, हमारे जैसे, हम जैसों के जैसा वो जिए और उन्हें पूरा हक उनको मिले और उनके लाइफ में वो इम्प्रूव करे और उनके राइट्स उन्हों मिलने के लिए सहारा गुज़िश्ता 18-20 साल से काम कर रहा है।
और इसके साथ साथ हमने आज निरामया सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, जिसमें सालाना 1,00,000 रुपये उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस पा सकते हैं, और इवन इंक्लूडिंग सर्जरी के लिए भी इसमें प्रोविजन किया गया। ऐसे 25 बच्चों को हमने निरामया सर्टिफिकेट करवा के दिए हैं। छोटी सी कोशिश सहारा की तरफ से चल रही है, इसके लिए मैं सबको, मेहमानात को और पेरेंट्स को भी मैं मेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, सहारा में आके जो है मेरा बच्चा सही सैयद राहिल, इसकी उम्र जो है अभी इस वक्त 8 साल है। मैं फर्स्ट तो सहारा में हम श्री मैडम के थ्रू जो यहाँ पर आए, तो इस वक्त हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर वहाँ पर जाके लिख रहे हैं, लेकिन हम तो इतना इफ़ेक्टिव जो है इसको ट्रीटमेंट नहीं हुआ। रीज़न ये था कि जाने आने के लिए काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ता था हमको, लेकिन यहाँ पे शहर है गुलबर्गा में, हमारे बिल्कुल करीब में ये जो संस्था है सहारा, हमारे लिए बहुत ही सहारा बना है। जब हम यहाँ पर आए, मुकामिल हमारे जो लोकल है उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा ये। आने के बाद जो हमारे बच्चे को जो है ट्रीटमेंट मिला, गाइडेंस दिए, और बच्चों को जो है पेंशन के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस संस्था में हमारे बच्चे के लिए काफ़ी मदद मिली। ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಹಿಡ್ದು ಹೊಂಟಿನ ರೀ, ಈಗ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಈಗ ಬರೋದಾಗಲಾಗ್ಯದ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿನಿ ರೀ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಸಿನಿ ರೀ, ಚಲೋ ಆಗ್ಯಾನ, ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಸಳ್ ಬೇಡತನ ನಡಿಲತ್ತನ ರೀ, ಇವ್ರು ಭೀ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನಿ ಕೊಟ್ಟರ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಚಲೋ ಆಗ್ಯದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬಕ್ಕ ನಡಿಲತ್ತನ ರೀ, ತಲೆ ಹುಷಾರಾಗ್ಯದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಊರಾಗ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋತಾನ ರೀ, ಅದು ಒಯ್ಯೋ ಥರ ಜರ ಕಷ್ಟ ಆಲತ್ತದ ರೀ, ಅವೆಲ್ಲ ಕಿದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಾನೆ ಸಾ ಇದು ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್ ರೀ, ಸರಾಗ ಆಗ್ಯಾನ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ರೀ ಹುಷಾರಾಗ್ಯಾನ್ರಿ.